बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1B ऑफ चैप्टर 1 ऑफ D3 अपडेटेड 7th एडिशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। नाउ द लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द नेट फोर्स एफ न्यूटन इज नीडेड टू पुश अ ब्लॉक along a horizontal surface is directly proportional to the mass m of the block when m is equal to 5, f equal to 49. Find an equation f and m. नोट करें कि क्वेश्चन 8 में दो क्वांटिटीज हैं, फोर्स और दूसरी क्वांटिटी है मास। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो यहां पर अगर दो क्वांटिटीज f और m में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इनकी जो रेशो होगी वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगी। यहाँ पर हम एफ और एम इक्वल टू के लिख देते हैं। अब इस के की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जब व्हेन एम इक्वल टू 5 देन एफ विल बी इक्वल टू 49। हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में क्वेश्चन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एफ की जगह हम 49 लिख देंगे और एम की वैल्यू हम 5 लिख देंगे, तो हमारे पास 49 अवर 5 इक्वल टू के आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 49 अवर 5 जो है 9.8 के इक्वल होता है, तो के इक्वल टू 9.8। तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये हो जाएगी एफ अवर एम इक्वल टू 9.8, तो फोर्स इक्वल टू 9.8 m। ये इक्वेशन आ गई है ये। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एम इक्वल टू 14। तो यहां पर हम सेकेंड पार्ट में फाइंड एफ व्हेन एम इक्वल टू 14, एफ इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन टू, एफ इक्वल टू 98 m। एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 14। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 137.2 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। अब हम इसके थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने देखें क्या फाइंड करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एम व्हेन एफ इक्वल टू 215.6। तो एफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास एफ जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 215.6। तो इस इक्वेशन में हम एफ इक्वल टू 9.8 m इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम रख देंगे, तो एफ की जगह हमारे पास आ जाएगी 215.6 इक्वल टू 9.8 m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 215.6 अवर 9.8। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 22 kg जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास पार्ट थर्ड का आंसर आ गया है। अब पार्ट फोर, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ अगेंस्ट एम। तो हमारे पास जो इक्वेशन एफ और एम में है वो क्या आ रही है, वो आ रही है एफ इक्वल टू 9.8 m। तो हम कुछ एम और एम को एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर लेंगे, एफ को वाई एक्सिस के अलोंग ले लेंगे। आपको मालूम है कि जो वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं वो नॉर्मली एक्स एक्सिस के अलोंग होती हैं। एम की वैल्यूज जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आएंगे, एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और एफ को हमने वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। तो अब हम एम की वैल्यू जीरो लेते हैं तो एफ भी जीरो होता है, एम की वैल्यूज हम टू ले लेते हैं तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.6 हो जाएगी। और इसी तरह अगर एम की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 39.2 आ जाएगी। अब हम इनको मार्क कर लेते हैं, जीरो पे जीरो आ जाएगी वैल्यू, ये मार्क हो गई, 2 पर 19.6, तो ये वैल्यू हमने मार्क कर दी और ये वैल्यू मार्क हो गई। और नेक्स्ट इज
39.6, तो 39.6 यहां पर इसके क्लोज मार्क होगी 39.2। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है और जो एफ और एम के दरमियान रिलेशन को शो करती है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 9, द प्रेशर पी पास्कल ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर टी केल्विन व्हेन टी इक्वल टू 10, पी इक्वल टू 25, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग पी एंड टी। अब हम पी प्रेशर और टी टेम्परेचर में रिलेशन देखते हैं, वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो रेशो होगी पी अवर टी को एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल लिख लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि पी की वैल्यू 25 है, टी 10 है, तो हम के की वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि व्हेन टी इक्वल टू 10 देन पी इक्वल टू 25, तो P को हम 25 लिख लेते हैं, T को 10 लिख लेते हैं, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5। तो यहाँ पर K इक्वल टू 2.5 आ गया है और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P अवर T इक्वल टू 2.5। अब आपने इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 2.5 T और ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड में वो ये कह रहा है के फाइंड दी वैल्यू ऑफ पी, तो हमने पी को फाइंड करना है कब, व्हेन टी इक्वल टू 24। तो हम यहाँ वी व्हेन टी इक्वल टू 24 लिख लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो इक्वेशन है जो पी और टी के दरमियान है वो क्या है कि पी इक्वल टू 22.5 इंटू टी। यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.0। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट फाइंड टी व्हेन पी इक्वल टू 12। तो दोबारा यही इक्वेशन हम लिखेंगे पी इक्वल टू 2.5 टी और हमारे पास पी की वैल्यू दी हुई है 12, 12 इक्वल टू 2.5 टी। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 जब लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसका डेसिमल प्लेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं जीरो, डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो गया, तो 120/25। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 24, 24/5, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 4 = 20 एंड 4 के वैल्यू डिफरेंस में आ जाएगी, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 8 = 40। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4.8, ये आंसर आ गया है। अब हम इसके दरमियान ग्राफ ले लेते हैं। पार्ट 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी। तो सबसे पहले हम पी और टी के दरमियान जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, पी इक्वल टू 2.5 टी है। तो इस इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम टी ले लेते हैं और इसको हम कहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, एक्स एक्सिस पे हम मेंशन करेंगे। तो टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा और उसके बाद हमने क्या करना है, प्रेशर है ये दिया हुआ और प्रेशर की वैल्यू को हमने वाई एक्सिस पे लेना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रेशर इक्वल टू पी और ये वाई एक्सिस पे मेंशन करेंगे। तो हम टी की कुछ वैल्यूज लेंगे, पहली वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं तो प्रेशर भी जीरो होता है। जब टी को हम 2 लेंगे तो 2.5 × 2 कितना हो जाता है 5। इसी तरीके से अगर हम टी को 4 ले लें तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी। अब हम पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 1 ले ले, इसको हम रख लेते हैं 1, 2, 3, 4। वाई एक्सिस पे भी हम यही वैल्यूज मार्क कर लेते हैं, यहाँ
And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब आप इसको मार्क कर लेते हैं ग्राफ. 0 पे 0 आ गई वैल्यू, 2 पे 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास. और 4 पे 10 ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी. 4 पे 10 ये वैल्यू मार्क हो जाएगी. इधर से 4 यूनिट और ऊपर हमने 10 यूनिट्स ऊपर हमने मार्क कर दिए. अब हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है और ये स्ट्रेट लाइन शो करती है ग्राफ बिटवीन पी एंड टी के दरमियान रिलेशन को शो कर रही है और ये आंसर है. क्वेश्चन 10, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी वोल्ट नीडेड टू सेंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस आर होम व्हेन आर इक्वल टू 6 एंड वी इक्वल टू 9. फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड आर. यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास जो डाटा जो क्वांटिटीज दी हुई हैं वो वोल्टेज वी दिया हुआ है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके रेजिस्टेंस के, और जो रेजिस्टेंस दी हुई है वो 6 है और वोल्टेज 9 है. तो हमने कनेक्शन देना है वी और आर के बिटवीन एक इक्वेशन से. तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके R के, तो V और R की जो रेशियो होगी वो एक कांस्टेंट K के इक्वल होगी. और V की जो वैल्यू होगी वो क्या यहाँ पर V और R की वैल्यू दी हुई है व्हेन R इक्वल टू 6, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन R इज 6 तो V इक्वल टू 9, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस वैल्यूज को यूज करते हुए. वी 9 हम रख देंगे इस इक्वेशन में और आर की जगह 6, तो ये इक्वल टू के. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, तो के हमारे पास आ गया है 1.5 और ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी वी अवर आर इक्वल टू 1.5 और इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू 1.5 R. अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन R इक्वल टू 15, तो R को 15 लेते हैं. ये इक्वेशन हम यूज करेंगे V इक्वल टू 1.5 R, तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 इंटू 15, 15 टाइम 15 इज 225, डेसिमल प्लेस 1 है, तो ये V इक्वल टू 22.5 आ जाएगी. और इसी तरह इसके पार्ट थर्ड को हम कर लेते हैं. तो पार्ट थर्ड क्या है कि फाइंड R व्हेन V इक्वल टू 15. देखिए अब V 15 है, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेंगे V इक्वल टू 1.5 R, V की जगह हम लिख लेते हैं 15 और 1.5 R as it is आ जाएगा. तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 over 1.5. अब हम इसको डेसिमल को सेम करना है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर भी पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे. अब डेसिमल प्लेस सेम हो गया है, पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो गया, 150 over 15, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10 ओम हमारा पार्ट थर्ड आ जाएगा. अब हम इसके दरमियान ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ V एंड R के बिटवीन है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे जो इसके बिटवीन बनती है, वो है V इक्वल टू 1.5 R, और अब हम कुछ वैल्यूज लेंगे R की और उसके अगेंस्ट V की क्या वैल्यूज बनती है वो देखते हैं. 0 ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसके अलावा 2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं. देखें R जब 0 है तो V भी 0 हो जाएगा, और R अगर 2 है तो ये 3 आ जाएगा, और R की वैल्यू जब 6 है, 4 अगर ले लेते हैं सॉरी 4 है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. अब देखें R जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम x एक्सिस पे लिख लेंगे, और V डिपेंडेंट है, यानी R की वैल्यूज हम खुद लिखते हैं डिफरेंट वैल्यूज, तो उसके अगेंस्ट V की वैल्यूज आ जाती हैं. तो यहाँ पर जो स्केल में वैल्यूज की रेंज आ रही है 0 से 4 के बिटवीन है, तो हम एक्स एक्सिस में 1 बिग स्क्वायर को 1 यूनिट रख लेंगे, और ये 2 और इसी तरह 3 एंड 4.
और v की वैल्यू हमारे पास देखें ये भी 0 से 10 के बिटवीन आ रही है, तो इसको हम यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 2 है, ये नेक्स्ट वैल्यू 3, और इसी तरीके से 4, 5, 6 एंड 7। अब हम इनको मार्क कर देते हैं वैल्यूज को। देखिए 0 पे 0 वैल्यू आ रही है और 2 पे 3 है, ये 2 आ रहा है, एक्स एक्सिस r की वैल्यू 2 है, तो v की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं ये 3 आ जाएगी। इसी तरह r की वैल्यू जब 4 है तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, वो 6 आ जाती है। अब हम इसको मार्क इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो ये ग्राफ हम हमारे पास v एंड r के बिटवीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हियर इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ PKRD ऑफ ए सेल्समैन हु सेल्स टायर कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टायर ही सेल्स फॉर ईच टायर ही सेल्स ही रिसीव्ड ₹80। पार्ट फर्स्ट, इफ द सेल्समैन सेल 95 टायर इन द पर्टिकुलर मंथ फाइंड इट्स टोटल इनकम दैट फॉर दैट मंथ। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, टोटल इनकम फाइंड करनी है। तो यहाँ पर नोट करें कि जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। वो कह रहा है कि जो टोटल इनकम है वो कंसिस्ट करती है, वो होगी बेसिक सैलरी जो कि 6,000 है, और एक वेरिएबल अमाउंट है जो कि डिपेंड कर रही है किस पर, कि नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स एंड ईच टायर he receives ₹80 और total tire he sells 95। तो इसका मतलब ये हुआ कि total income जो है वो किसके equal होगी, वो होगी basic salary plus variable amount यानी commission। अब basic salary जो है वो कितनी दी हुई है, 6,000, वो हम लिख लेंगे, और commission क्या है दिया हुआ इसने, देखें ये depend कर रहे number of tires he sells, उसने कितने टायर सेल किए 95, और एक टायर की वैल्यू वो कह रहा है ही रिसीव ₹80 फॉर ईच टायर। तो हम यहाँ 95 मल्टीप्लाई बाय 80 लिख देंगे, और इस कमीशन को हम यहाँ लिख सकते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, तो ये हमारे पास टोटल कमीशन आ जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अमाउंट हो गई 6,000, और ये अमाउंट 95 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7600 आ जाएगा। 6000 प्लस 7600, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी 13600 ₹5, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट सेकंड, इफ द सेल्समैन मंथली इनकम फॉर ए पर्टिकुलर मंथ is ₹16,800, calculate the number of tire he sells in that month। यहाँ पर आप नोट करें कि जो टोटल इनकम है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो है बेसिक सैलरी प्लस कमीशन, और कमीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, कि नंबर ऑफ टायर्स ही सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ द टायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इनकम आ गई है 16,800, और बेसिक सैलरी तो फिक्स है, वो देखें वो हर मंथ उसको मिलनी ही मिलनी है 6,000, तो वो एज इट इज हम लिख देंगे, क्योंकि कमीशन जो है उसमें चेंज आएगी, जितने वो नंबर ऑफ टायर्स बेचेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कमीशन मिलेगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ टायर आपने जो उसने सेल किए उस मंथ में वो हम डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स ऑफ टायर्स ही सेल्स इज एन, नो नंबर ऑफ टायर की जगह हम एन लिख देते हैं। रेट हमारे पास कितना दिया हुआ था, 80 दिया हुआ है, तो हम 80 लिख लेंगे। यहाँ पर नोट करें दिस इज दी ही रिसीव्ड ईच टायर ₹80। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16,800 माइनस 6,000 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई एन। अब आप नोट करें इसमें से डिफरेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,880 एन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
n will be equal to 10,800 divided by 80. देखें ये राइट साइड से लेफ्ट पे जाएगी वैल्यू, तो डिवाइड हो जाएगी 80 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. तो नंबर ऑफ टायर्स कितने आ गए, 135 टायर्स आ गए. तो ये आंसर है हमारा. पार्ट थर्ड, राइट डाउन ए फार्मूला कनेक्टिंग डी एंड एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टायर्स द सेल्समैन सेल इन अ मंथ. यहाँ पर देखें हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है. ये पहले ही मैं यहाँ बना चुका हूँ पार्ट सेकेंड में, कि टोटल इनकम इक्वल होती है बेसिक सैलरी प्लस कमीशन. अब यहाँ पर कमीशन जो है उसको मिल रहा है नंबर ऑफ टायर सेल पर करने पे, वो कितने सेल कर रहा है, एन टायर सेल कर रहा है, तो जो कि इक्वल है नंबर ऑफ टायर्स मल्टीप्लाई रेट. वी राइट हियर नंबर्स ऑफ टायर्स मल्टीप्लाई रेट, ये कमीशन है. अब यहाँ पर हम बेसिक सैलरी आपको पता है कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 6,000, वो हम एज इट इज लिख लेंगे. नंबर ऑफ टायर्स एन रख लेंगे, और जो टायर का रेट है वो 80 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल इनकम को हम डी लिख लेंगे, उसने कहा था ये डी, तो डी इक्वल किसके आ गया है, 6,000 प्लस 80 एन. और ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया है. हम एन चेंज होगा सर, टोटल इनकम ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी, और ये आंसर है. पार्ट फोर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डी अगेंस्ट एन, इज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यूज योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर. सबसे पहले हम देखेंगे कि डी और एन में क्या इक्वेशन बनी थी, वो हम लिख लेते हैं. डी इक्वल टू 80 एन प्लस 6,000. उसके बाद हम यहाँ पर जो एन है वो इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डी डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एन की वैल्यूज चेंज करेंगे तो डी की वैल्यूज चेंज होंगी. तो यहाँ हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम एन को शो करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टायर्स को. तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ टायर्स, और y एक्सिस के और n इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y एक्सिस में हम d को शो करेंगे, और d जो है अमाउंट को शो कर रहा है. हम यहाँ पर देखे लिखा हुआ है पाक रुपीज d, तो ये टोटल इनकम है. तो हम यहाँ लिख लेंगे कि टोटल इनकम पाक रुपीज, उसको हम d मेंशन कर रहे हैं, और ये n है. अब हम इसको n की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और उससे हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले एन हम जीरो लेते हैं, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस 6,000, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6,000. फिर हम एन की वैल्यू जो है सपोज 20 ले लेते हैं, तो एन की वैल्यू 20 लेने से डी जो है वो क्या आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 6,000, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7,600. नेक्स्ट हम कर लेते हैं डी, एन की वैल्यू हम 50 ले लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या आती है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय एन की जगह देखें 50 लिखेंगे, तो 50 प्लस 6,000, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 10,000. अब हमने देखें स्केल बनाना है, तो एन में की वैल्यूज जो हैं 0, 20, 50 भी हैं, तो यहाँ पर हम स्केल क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस का स्केल बना लेंगे और फिर वाई एक्सिस का स्केल बना लेंगे. एक्स एक्सिस का स्केल बनेगा कि हम 1 unit 1 big square इक्वल टू 10, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या स्केल रख लेते हैं, वाई एक्सिस में देखें 1000 में वैल्यू है, तो हम वाई एक्सिस का स्केल को 1 big square इक्वल टू 2000 ले लेते हैं हम, 2000. अब हम यहाँ पर वैल्यू मार्क कर देते हैं. पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है, एन की वैल्यूज आ रही हैं, 1 big square 10 के इक्वल है, तो हम यहाँ 10 ले लेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 30, ये 40, और ये लास्ट ये 50 आ गई वैल्यू, फिर 60. अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर इस स्केल में जो नंबर ऑफ टायर हैं वो एक्स एक्सिस पे लेने हैं, जो जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो इनकम है जिसका आंसर आना है वो हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है. इसलिए ये मैंने मार्क्स जो किए हैं इनकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे की है. हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को
एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एन को चेंज करेंगे एन तो डी खुद बखुद चेंज होगा। अब डी की वैल्यू 1000 में थी, तो अभी मैंने बताया कि हम इसको 1000 में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया 2000, 4, 6, 8 और 10000। अब आपके पास पहली पहला पॉइंट है, 0 पे 6000 है, तो मेरे पास ये वैल्यू ये आ जाएगी 0 पे 6000, ये मार्क कर देते हैं हम, ये एक्स जीरो है तो ये पॉइंट मार्क हो गया। नेक्स्ट है, अब हमने 20 के अगेंस्ट देखना है कि क्या पॉइंट है, यहाँ पर एन 20 है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है डी की उस पर 7600 आ रही है, तो हम 7600 अगर नोट करें यहाँ पर 10 स्मॉल स्क्वेयर जो है 2000 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200। तो 2 यूनिट जो है वो 1 यूनिट 200 के हैं, तो 2 यूनिट 400 के होंगे, तो 8000 से 2 यूनिट बिफोर हम पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर ये मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट है 50 पे 10000, ये पॉइंट आ गया। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, तो ये लाइन हमारे पास आ गई है और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा ग्राफ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये आंसर आ चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, मशीन मैन्युफैक्चर ice needs to run for 10 minutes to warm up before production. The ice begun, the mass of ice is directly proportional to number of hour production. Given that 20 tons of ice produced when the machine runs half an hour, find the mass when manufacturer runs for 1.7 hours. सबसे पहले हम क्या करेंगे, important data को underline कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 10 minutes warm up टाइम बिफोर प्रोडक्शन, ये 10 मिनट्स फिक्स हैं जो कि आइस बनाने को ये चाहिए ही चाहिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो मैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पर जो मैस दिया हुआ है 20 टन आइस है, जब मशीन हाफ एन आवर रन करती है, फाइंड द मैस ऑफ आइस मैन्युफैक्चरर when the machine runs for 1.75 hours. सबसे पहले हम ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन टाइम, तो हम लिखेंगे मैस आवर प्रोडक्शन टाइम, तो दोनों क्वांटिटीज के बिटवीन रेशियो ले लेते हैं, मैस और प्रोडक्शन टाइम की जो रेशियो होगी मैस और प्रोडक्शन टाइम आएगी, और वो रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम के रख लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ आवर ऑफ प्रोडक्शन आइस मैस इज 20 यूनिट, तो यहाँ पर हमारे पास मैस दिया हुआ है 20 टन, तो हम यहाँ लिख लेंगे mass equal to 20. अब next दिया हुआ है the when the machine run for half an hour, तो यहाँ पर मशीन का रनिंग टाइम दिया हुआ है, जो कि आप याद रखना है प्रोडक्शन टाइम और रनिंग टाइम डिफरेंट है। यहाँ पर रनिंग टाइम कितना दिया हुआ है, 1 hour 2 hours, और अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा, और इस 30 मिनट्स में कितने मिनट्स मशीन जो है वार्म अप में लेती है, वो 10 मिनट्स लेती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रनिंग टाइम किसके इक्वल होता है, वार्म अप टाइम प्लस प्रोडक्शन टाइम, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 30 मिनट्स के, यहाँ पर प्रोडक्शन टाइम वार्म अप टाइम 10 मिनट्स है, और प्रोडक्शन टाइम जो है हम फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा प्रोडक्शन टाइम, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो प्रोडक्शन टाइम जो है वो हमारे पास 30 माइनस 10 हो जाएगा, तो 20 मिनट्स, और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्शन टाइम,
अब हम इसमें कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, इस इक्वेशन वन में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, और प्रोडक्शन टाइम कितना आ रहा है, वो भी 20 मिनट्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 टन और यहाँ लिख लेंगे मिनट, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 टन पर मिनट आ गई। अब आपने के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन वन, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, एम की जगह हम मास आवर प्रोडक्शन टाइम इक्वल टू 1, और यहां पर इसको मैं तो इक्वेशन में मास को एम से और टाइम को प्रोडक्शन टाइम को टीपी से लिख लेते हैं, तो मैं एम इक्वल टू टीपी। अब हमारे पास यहां पर देखें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ आइस मैन्युफैक्चर व्हेन मशीन रन फॉर 1.75 आवर्स, तो यहां हम मशीन का रनिंग टाइम दिया हुआ है, रनिंग टाइम 1.75 आवर्स, तो ये हमारे पास रनिंग टाइम इक्वल है वार्म अप टाइम प्लस प्रोडक्शन टाइम इक्वल टू 1.75 आवर्स, इसको मिनट में हम लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.75 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये वैल्यू बन जाती है 105 मिनट, और यहाँ पर प्रोडक्शन टाइम हम फाइंड कर लेंगे, और ये हमारे पास टी डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, वार्म अप टाइम होता है 10 मिनट्स, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 95 मिनट्स, ये प्रोडक्शन टाइम आ गया है, तो इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी एम इक्वल टू टी पी, और इधर जो है टी पी की क्या वैल्यू दी हुई है, 95 दी हुई है, तो ये 95 मास इक्वल टू 95। अब देखें यहाँ पर जो रेट था वो था 1, और 1 तो की जो वैल्यू है वो बन रही थी हमारे पास टन्स पर मिनट, तो मैं अगर इसको 1 को यहाँ लिखूं 1 टन्स पर मिनट मल्टीप्लाई 95 मिनट्स, तो मिनट्स मिनट से कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास यहाँ जो यूनिट बनेगी वो 95 टन्स बनेगी, और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास।